ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस ने भारतीय शेयर बाजार पर बड़ी भविष्यवाणी की है। अब आपको तो पता ही है कि पिछले साल तमाम ग्लोबल बाजारों में दिक्कतें देखने को मिली थी। इसके बावजूद हमारे भारतीय बाजारों ने इन ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। देखिए ना, बीते 6 महीने में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने जहां 5.60% का रिटर्न दिया है, FTSE 100 ने 3.53% का निगेटिव रिटर्न दिया है, वहीं अपने भारतीय बाजारों ने इसके उलट अच्छा प्रदर्शन किया है। निफ्टी ने 8.01% का रिटर्न दिया है, वहीं 30 शेयरों वाला सेंसेक्स भी पीछे नहीं है। सेंसेक्स ने भी 6 महीनों में 6.40% का रिटर्न दिया है। अब भारतीय बाजारों के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 कैसा रहने वाला है, इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दिग्गज ब्रोकरेज एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने एक अनुमान जारी किया है। अब क्या है गोल्डमैन का अनुमान, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। गोल्डमैन सैक्स को भारत में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अच्छी संभावनाएं दिख रही है। मजबूत फंडामेंटल्स के आधार पर गोल्डमैन सैक्स ने इक्विटी आउटलुक को ओवरवेट की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 2024 के अंत तक निफ्टी 21,800 तक जा सकता है, यानी निफ्टी में करीब 12% का रिटर्न मिल सकता है। अब आइए सेंसेक्स पर। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक सेंसेक्स 2024 तक 86,000 के लेवल तक जा सकता है। अब आपके फायदे की बात। गोल्डमैन सैक्स को भारत में कॉर्पोरेट सेक्टर के मुनाफे में 15% की ग्रोथ दिख रही है। ये अनुमान साल 2024 का है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 का। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी करीब 14% की ग्रोथ रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स के पसंदीदा सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। घरेलू सेक्टर्स में बैंक, ऑटो, सीमेंट, इंडस्ट्रियल और यूटिलिटीज सेक्टर, और HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, खुदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टावर जैसे लार्ज कैप गोल्डमैन के पसंदीदा स्टॉक्स हैं। अब गोल्डमैन की नोट में और क्या क्या बातें कही गई हैं, ये भी जान लीजिए। नोट में कहा गया है कि भारत में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की सबसे अच्छी संभावनाएं लंबी अवधि के लिए ऊंची ब्याज दरों, डॉलर की मजबूती, चीन की धीमी ग्रोथ और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बाजार में थोड़ी अस्थिरता रह सकती है, लेकिन भारत पर बाहरी झटकों का ज्यादा असर नहीं होगा, यानी भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। अब आइए ग्रोथ पर, यानी GDP फोरकास्ट पर। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनी रहेगी। भारत की GDP साल दर साल 6.2% की रफ्तार से बढ़ेगी। नोट में आगे कहा गया है कि अगले साल को दो हिस्सों में देखना चाहिए। चुनावों से पहले की छमाही में सरकार की तरफ से किए गए खर्च से इकोनॉमिक में ग्रोथ रहेगी, वहीं दूसरी छमाही में चुनावों के बाद प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को आगे लेकर जाया जाएगा। फाइनेंशियल 2025 के लिए गोल्डमैन सैक्स ने GDP ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान दिया है। अब जाते जाते गोल्डमैन सैक्स ने सप्लाई में लगातार आ रही दिक्कतों पर क्या बोला है, ये भी जान लीजिए। अपने नोट में गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि सप्लाई में लगातार दिक्कतों की वजह से 2024 में रिटेल महंगाई टारगेट से ऊपर, यानी औसतन करीब 5.1% रह सकती है। हालांकि चुनावी साल में सरकार की तरफ से महंगाई को काबू में करने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक RBI 2024 की चौथी तिमाही यानी Q4 तक दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा और फिर 2025 की शुरुआत में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। अब हमने आपको गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को विस्तार से समझा दिया है। अगर आपको भी शेयर बाजार में किसी भी तरह का पोजीशन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।